नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा YouTube चैनल गार्डनिंग इज माय पैशन का हिंदी वर्सन। दोस्तों, आपके पास अगर छोटी सी जगह है या फिर छोटा सा बागान है, कहीं पर छोटी सी खाली जगह पड़ी है, आप वहां पर काफ़ी सारे सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। मैं एक एक करके दिखाता हूं कि कैसे आप सब्जियां ग्रो करेंगे। इसमें आपके पास जितने तरह के लौकी हो सकती है, खीरे हो सकते हैं, खीरे आप ग्रो कर सकते हैं, इसमें करेला ग्रो कर सकते हैं, तोरई हो सकती है, लौकी हो सकती है, भिंडी हो सकती है, बरबटी हो सकती है, तरह तरह के पौधे आप ग्रो कर सकते हैं। देखिए, छोटा सी जगह है मेरी, 8-10 फुट की जगह है, 10 फुट बाई 10 फुट की जगह अगर आपके है तो एक एक दो दो पौधा करके सबको लगा दीजिए। इस तरह के मचान आप बना दीजिए। ये थे बांस की टहनी से, आप कोई भी पुरानी बांस की टहनी पड़ी है, इस तरह से आपका मचान खड़ा कर दीजिए और इसके बाद आप आसानी से ये पौधे को ग्रो करके काफ़ी सारी सब्जियां ले सकते हैं। आपके किचन की जितनी नीड है सारी पूरी हो जाएगी। एक एक करके मैं दिखाता हूँ। अगर आपके पास जगह है तो इस तरह का आप मचान बना के पौधे लगा सकते हैं। अगर जगह नहीं है तब भी आप आपके कोई भी पेड़ है, पेड़ के नीचे से भी ऊपर से भी चढ़ा सकते हैं। ये देखिए, काफ़ी सारे ओकड़ा या फिर भिंडी के पौधे हैं, इसमें काफ़ी सारे भिंडी आई हुई है और पौधे भरे हुए हैं भिंडी से। और मैं आपको हार्वेस्ट करके भी दिखाऊंगा एक एक करके कैसे भिंडी का हार्वेस्ट हो रहा है और कितने सारे भिंडी आ रही है इसमें से। और आपके पास 10-12 भिंडी के पौधे हैं तो आपके किचन के लिए काफ़ी होगा। और कोई भी 10-12 पौधे लगाने के लिए आपके 5 फुट बाई 5 फुट की जगह काफ़ी है। अब देखिए, आपके पास अगर इस तरह के ओपन लैंड नहीं है, आपके पास पेड़ है, तो पेड़ के नीचे आप एक दो पौधे, यहाँ पर दो पौधे मैंने करेले का लगा रखे हैं। देखिए कितने करेले लगे हुए हैं, कितने सारे करेले लगे हुए हैं और पौधा चढ़ जाएगा पेड़ के ऊपर और काफ़ी सारे करेले आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। करेला का पौधा बड़ा भी नहीं होता है। और ये देखिए, और एक बड़ा सारा करेला। और इस तरह के करेले के पौधे बहुत अच्छे रहते हैं, कोई भी ट्री में, कोई दरख्त में, कोई पेड़ में चढ़ा दीजिए। लौकी के पौधे चढ़ा सकते हैं या फिर आप आपके तोड़ई के पौधे चढ़ा सकते हैं। और लैंडेड ओपन लैंड है तो आप भिंडी के पौधे लगाइए। इस तरह से हम मैं दिखा रहा हूँ कितने सारे भिंडी के पौधे लगाए। ऊपर देखिए, और एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर हमने 2 ठो तोड़ई के पौधे, पिछले बार हमने वीडियो अपलोड किया था वहाँ पर तोड़ई के पौधे ग्रो किए थे, ये तोड़ई के पौधे मैंने पेड़ के नीचे लगा दिए हैं। और उसके बाद इसको एक मचान की सहायता से पेड़ में लगा दिया और पेड़ के ऊपर से ये ऊपर चढ़ गया, बिल्कुल ऊपर। इसमें देखिए, अभी ऊपर की तरफ सैकड़ों फूल खिले हैं और कुछ दिन में, 15-20 दिन में इसमें काफ़ी सारे फल आएंगे और ये फल लगेगा कि ये तुरई का फल का पौधा है, पेड़ है। तो इस तरह से आप आसानी से, कोई भी जगह नहीं है आपके घर में, कोई पेड़ है, पेड़ के नीचे थोड़ी सी खाली ज़मीन है, उसमें से पौधा लगा के उसको चढ़ा सकते हैं। और ये देखिए, काफ़ी सारे फूल आए हुए हैं, ये करेले के फूल, और सैकड़ों फूल खिले हुए हैं और 10-15 दिन में ये पूरे पौधे में करेला भर जाएगा। तो इस तरह से आप जो भाइंस है, जो भी है, लताएं हैं, आप आराम से ग्रो कर सकते हैं। लताएं की सब्जी पेड़ के ऊपर काफ़ी अच्छी होती है और ये अपने आप खुद के चढ़ जाती है और आपको कोई भी केयर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, कोई भी केयर करने की या खाद देने की कुछ जरूरत नहीं। देखिए करेले, कितने सारे करेले लगे हुए हैं हमारे इस पेड़ में और इसमें बहुत कम केयर की ज़रूरत पड़ती है। इसमें कीड़े मकोड़े भी बहुत कम लगते हैं, कोई भी पेस्टिसाइड खाद कुछ देने की जरूरत नहीं है। इस तरह से करेले, लौकी, भिंडी, इस तरह के पौधे आप आपके खाली जगह पर ग्रो कीजिए और आप देखिए, आपको सुबह सुबह देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से आप अगर किचन गार्डन में, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। गार्डनिंग में पैशन में नए हैं तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ उसमें बेल आइकन का दबा दें। और इस चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए, मैं नए नए वीडियो लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।